हाय फ्रेंड्स, मैं आशीष जायसवाल जस कंप्यूटर एंड टेक्निकल चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सो गाइस, मैंने आप लोगों से बोला था पिछली बार कि मैं एक नया चैनल नया ट्रिक लेके आऊँगा, तो मैंने फिर से एक कंप्यूटर का नया ट्रिक लेके आया हूँ। और पिछली बार मेरा ट्रिक था हाउ टू ब्लैंक कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को चालू हालात में खाली कैसे रखते हैं। और आज मैं आप लोग को नया ट्रिक लेकर आया हूँ जो है आपका डिस्क और ड्राइव से संबंधित, यानी लोकल डिस्क DCE के संबंधित। तो पहले हम लोग ये जानेंगे ये कंप्यूटर में जो डिस्क ड्राइव होता है ये होता कहाँ पे है। तो आइए हम देखते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे मैं पॉइंटर के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर पर जैसे आप डबल क्लिक करोगे, यानी डबल दो बार क्लिक करना है, जैसे डबल क्लिक करोगे आप यहाँ पर लिखा होगा CD और E, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क या ड्राइव। तो जो भी आपने डी ड्राइव, ई ड्राइव और सी ड्राइव आपके पास अवेलेबल हैं, जितने भी ड्राइव आपके पास अवेलेबल हैं, तो इनमें से आप जैसे सपोज करिए कि हमको डी ड्राइव को हाइड करना है, यानी बिल्कुल छिपा देना है। तो इस डी ड्राइव को छिपाएंगे ही क्यों हम लोग? जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या होता है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट फाइल फ़ोटो को हम इसके अंदर रखे होते हैं और मैं चाहता हूँ कि कोई देख ना पाए, तो उस कंडीशन में हम डी ड्राइव को हाइड कर देते हैं। तो अब यहाँ पे प्रोसेस ये है कि हम हाइड करेंगे कैसे, यानी हम इसको छिपाएंगे कैसे, और छिपाएं तो फिर लाएंगे कैसे। तो आइए देखिए, मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अगर आपको ना समझ में आता हो तो कृपया करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो लेट्स मूव द पॉइंट। तो देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है कंप्यूटर। तो जो वो कंप्यूटर दिख रहा होगा वहाँ पे वो करना है राइट क्लिक। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ करना क्या होगा। आपको देखिए, यहाँ मैंने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिख दिया है कंप्यूटर राइट क्लिक, यानी पहले आप कंप्यूटर पर जाएंगे। कंप्यूटर कहाँ है? तो यहाँ पर है। देखिए, आपको दिख रहा होगा पॉइंटर के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और फिर क्या करना है, राइट क्लिक। राइट का मतलब जो आपका माउस पॉइंटर का राइट क्लिक होता है, राइट क्लिक करिए। उसका हम लोग क्या करेंगे, मैनेज। देखिए, फिर हमको क्या करना है, इसके बाद मैनेज में जाना है। कहाँ जाना है? मैनेज। तो देख, कंप्यूटर पर ऐड क्लिक करेंगे और यहाँ लिखा होगा मैनेज। तो मैनेज पे क्लिक करिए। जैसे ही आप मैनेज पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर मैनेजमेंट नामक एक प्रोग्राम दिखेगा। जब कंप्यूटर मैनेजमेंट नामक प्रोग्राम दिखेगा तो यहाँ पे आपको देखिए अब करना क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ डिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पर देखिए, आपको डिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर ढूंढना होगा। यहाँ पर देखिए, पॉइंटर पर क्लिक करिएगा, यहाँ लिखा है डिस्क मैनेजमेंट, यहाँ पर क्लिक करिए। जैसे ही आप डिस्क मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी आपके पास ड्राइव अवेलेबल हैं वो सारे आपको दिखेंगे। यहाँ बोला सेलेक्ट द हाइड ड्राइव, यानी आपको जिस ड्राइव को छिपाना है आप उसको सेलेक्ट करिए। तो मैं आपको पॉइंटर के माध्यम से दिखा रहा हूँ। देखिए, CD और E। तो यहाँ पे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, यानी जो हमको कंप्यूटर में दिखाई दे रहा था वो चीज़ हमको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो मुझे करना क्या है कि डी ड्राइव को बिल्कुल यहाँ से हाइड कर देना है। तो हाइड करने के लिए क्या करना होगा मुझे, देखिए एग्जांपल, डी पर राइट क्लिक। जैसे मैंने डी ड्राइव को सिलेक्ट किया तो डी पर क्या करना है आपको, राइट क्लिक। तो जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे तो फिर आप कहाँ जाओगे, यहाँ लिखा होगा चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी ड्राइव पर क्लिक करेंगे राइट क्लिक। और जैसे ही राइट क्लिक किया तो यहाँ पर ढूंढेंगे कि चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ कहाँ लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ। तो यहाँ पर आप क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद जैसे ही क्लिक करोगे आप तो फिर उसका एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। और उस डायलॉग बॉक्स में आपको क्या करना होगा, रिमूव पर क्लिक। तो आप इसमें देखिए रिमूव का है, तो आपको यहाँ पर रिमूव दिखाई दे रहा होगा। आप रिमूव पर क्लिक करिएगा और यहाँ से करिएगा रिमूव, फिर ओके। तो थोड़ी देर में क्या होगा कि यहाँ पर आपका जो डिस्क है वो हाइड हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ से आपका डी ड्राइव बिल्कुल हाइड हो गया। अब आते हैं हम लोग, इसको हम लोग बंद करते हैं, फिर कंप्यूटर में जाते हैं। अब देखिए, पहले आपको यहाँ पर CD और E दिखाई दे रहा था, लेकिन अब आपको दिखाई दे रहा है केवल C और E, लेकिन D आपको इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब क्या करना है, मुझे वापस उसको लेके आना है, यानी जो हमने उसको छिपाया था अब मुझे वापस लाने के लिए क्या करना होगा। तो देखिए, अब अगली प्रोसेस हम क्या करते हैं, फिर से वही काम करने होंगे। पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखा हुआ कंप्यूटर राइट क्लिक। तो हम लोग कंप्यूटर राइट क्लिक करेंगे, फिर कहाँ जाएंगे, मैनेज। मैनेज में जाएंगे हम लोग। मैनेज में जाने के बाद फिर से वो प्रोग्राम आपको दिखाई देगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, डिस्क मैनेजमेंट। फिर वहीं पर जाएंगे जो प्रोसेस से मैंने हाइड किया था,
उसी प्रोसेस से हम आगे बढ़ेंगे। तो डिस्क मैनेजमेंट पर क्लिक करिए। डिस्क मैनेजमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट द हाइड ड्राइव, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से अनहाइड कर देंगे। अनहाइड ड्राइव यानी कि आपको जो ड्राइव को अनहाइड करना है, जिसको आपने छिपाया था, अब उसको क्या करेंगे, अब उस पर एग्जाम्पल डी राइट, यानी कि हमने डी को छिपाया था ना, तो वहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। अब चेंज ड्राइव रिटर्न पाथ में जाएंगे, चेंज ड्राइव रिटर्न पाथ। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको दिख रहा होगा ऐड, दिख रहा है यहाँ पे हमने क्या किया था, रिमूव किया था। तो अब क्या करेंगे, ऐड, ऐड पे क्लिक करिए। अब करिए देखिए, डी ड्राइव आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा डी ड्राइव। अगर साफ नहीं दिख रहा होगा तो आप वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। उसके क्या करेंगे, हम यहाँ से ओके करेंगे। ओके करते देखिए आपको यहाँ पे डी दिख जाएगा। अब हम इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर में जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लोकल डिस्क सी डी ई आपके सामने आ गया। देखिए कंप्यूटर में यही सब रोमांटिक चीज़ होता है, जितना भी आप चाहो उतना भी इसमें कर सकते हो। आपको ये सब सेटिंग जानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कंप्यूटर में आप ऑप्शंस पढ़ के कुछ नहीं कर सकते, बस जाके ऑफिस में काम करोगे वगैरह वगैरह। लेकिन आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आपको इतना ये सारे काम करने पड़ेंगे। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, और कृपया करके सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।